नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भारत के वैज्ञानिकों का पूरी दुनिया में दबदबा है। यही वजह है कि भारतीय वैज्ञानिकों का देश विदेश में डंका बजता है और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की अपनी अलग पहचान है। इसका उदाहरण पेश किया है भारत में जन्मे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिस्ट शंकर बालासुब्रमण्यम ने। दरअसल शंकर बालासुब्रमण्यम और उनके साथी डेविड क्लेनर मैन को साल 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार को ग्लोबल साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इन दोनों को डीएनए पर गहन रिसर्च, उसकी क्रमबद्धता, सटीकता से जुड़ी क्रांतिकारी अनुक्रमण तकनीक यानी सीक्वेंसिंग टेक्निक को डेवलप करने की वजह से ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड की तरफ से दिया गया। साल 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी और हर 2 साल के अंतराल में इसे दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सर टिम बर्नर्स ली को मिला था, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWE की खोज की थी। पुरस्कार का मकसद समाज की बेहतरी से जुड़े आविष्कार और विज्ञान के गहरे प्रभाव को सामने लाना है। इस पुरस्कार के तहत शंकर सुब्रमण्यम और क्लेनर मैन को 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि भी मिली है। शंकर बालासुब्रमण्यम का जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सन 1966 में हुआ था। साल 1967 में उनके माता पिता यूके शिफ्ट हो गए थे। सुब्रमण्यम ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंसेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद प्रोफेसर क्रिस एबल के मार्गदर्शन में PhD हासिल की। बालासुब्रमण्यम ने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में भारत से अपने खास कनेक्शन के बारे में भी बताया। वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत से उनकी जड़े आज भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनके शब्दों में, मेरे परिवार के सदस्य आज भी दक्षिण भारत में रहते हैं और यूके में मेरे परिवार के साथ लगातार मिलते रहते हैं। हम लगातार एक दूसरे से मिलते रहते हैं और ऐसे हमने अपनी जड़ों को मजबूत रखा है। सुब्रमण्यम और क्लेनर मैन ने मिलकर नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग की खोज की है। इसकी मदद से किसी जीव के पूरे डीएनए सीक्वेंसिंग का पता लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये तकनीक COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में मानवता के लिए अहम साबित हो रही है। दोनों की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी इसको लेकर जारी किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।